So, I feel very blessed that, you know, I, I get all this Gyan from you. And I hope that I am able to have the energies that you have. <laughs> Amazing. Dr. Mamta Manglani, uh, my friend, philosopher, guide. I got introduced to the subject of thalassemia by these two people over here, really. Anil And the first time I thalassemia to it was through Dr. Mamta Manglani. And after that, she's been giving me a lot of information, a lot of advice. Whatever I know about thalassemia is because of really her and supplemented by uh, Dr. Rashid Majan later, actually. So it's really a privilege, you know, Dr. Manglani, to have you here and to stand here with this in, on the same day as you. Dr. Ava uh, Nagaral, I don't think I have to say anything, actually. You know, such a concern for a patient. I have a smiling face looking at me. I have a smiling face looking at the patient. And, wo face itself is, is, is enough to cure the, the patient of any problem, really. <laughs> because, there is such, a, such an amount of empathy in the entire way that she handles things. Really, a big round of applause to Dr. Abha Nagral. Even this meet, if you ask me, she has been giving uh, uh, credit to Think Foundation. But yes, we got all the people to come over here. But all the work has been done by her and her team, uh, which includes Jyoti, and I'm sure there are many other people. So hats off to the Children's Lives Foundation. And lastly, I want to talk about Imran. It <laughs> showed power packed person who came over here. I really admire his positive spirit. Whatever be the problems, be slide I I didn't think about uh, Imran or about all the other thalassemia patients. But I think that sums up everything, you know. A, a, a ride of a thalassemia major patient is one hurdle after another, and I can see Imran and all of you reaching that finishing point. Actually, covering all those hurdles, you know. But we need to make things easy for.

लुक एट दिस फेसबुक पेज नाम स्ट्राइक स्ट्राइक ऑफ किया मैंने एज थर्टी फोर इयर्स स्टेटस मैरिड चिल्ड्रन वन सन वर्क एट एक्स एक्सवाइज एड कॉरपोरेशन स्टडीड एट सो एंड सो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंटरेस्ट रीडिंग एंड क्रिकेट ये है कौन ये मेजर वॉट डिड यू डू राइट तो दो आई एम टू शिफ्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस फॉर सम टाइम लेट एस लुक एट व्हाट इ डिड राइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसको मालूम नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता क्या है कौन सा कंपोनेंट मेरे को दिया जाता है मेरे को क्या उसके साथ में लूकोसाइड फिल्टर अटैच करना है सलाइन वॉशिंग करना है कि नहीं वो सब वो बोलता है कि वो सब दूर की बात है मेरे को सिर्फ एक चीज़ देखना है कि मेरा प्री ट्रांसमिशन हिमोग्लोबिन हर टाइम जब आप ट्रांसमिशन लेने के लिए जाते हो तो हिमोग्लोबिन चेक होता है वो मेरा नाइन नाइन पॉइंट फाइव के ऊपर है क्या so ये इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा सिंपल चीज सो दैट इज द मैसेज टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो आप सबको ये देखना चाहिए कि मेरा हीमोग्लोबिन बिफोर ट्रांसमिशन नाइन नाइन पॉइंट फाइव के ऊपर है कि नहीं करके। नंबर वन नंबर टू आयन रिलेशन कैसा आयन एक्ट करता है डॉक्टर मंगलानी ने बताया डॉक्टर रशीद मशन ने बताया हमको क्या डोजेज लेना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए जो भी करना चाहिए लेकिन हर तीन महीना छः महीने के बाद में एक बार सेरम फेरेटिन ले लो इफ़ यू कैनॉट डू एम आर आई सेरम फेरेटिन ले लो और एक थाउजेंड नाइनोग्राम्स के नीचे अगर है आपका सेरम फेरेटिन फाइन दैट्स वॉट ही ऑल्सो डिड दिस जेंटलमैन उसने देखा कि हाँ भाई मेरा सेरम फेरेटिन फाइन है फिर कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि देखो ये सारे ये सारे टेस्ट आपको ना हर तीन महीने छह महीने के बाद एक साल के बाद करना है उसने वो सब टेस्ट करके रिकॉर्ड रख दिया लेटेस्ट सी वॉट अदर्स डिड फॉर हिम अदर्स लॉट फॉर हिम विच इज वाई ही वॉज एबल टू डू वॉट ही डिड ट्रांसमिशन सर्विस जब भी उसको खून चाहिए उसको खून मिल रहा था उसको ये सोचना नहीं पड़ता था कि मेरे को एक डोनर को लेके जाना है किधर रक्तदान करने के लिए जिसका मतलब क्या है उसको सेफ ब्लड मिलता था क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति को पकड़ के लेके जाएगा रक्तदान करने के लिए हायर चांस कि वो रिस्की डोनर है वॉल्ट्री डोनर इज अ सेफ डोनर तो वो ट्रांसमिशन सर्विस ने ये ये कर लिया कि हाँ भाई उसको ब्लड फ्री मिलना उसको अवेलेबल होना होने वाला है नंबर टू न्यूक्लियड एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड भी आ गया तो हम लोग तो उसको इमिजिएटली पकड़ना चाहिए ना कि बाई एलाइजा विच विल टेक यू नो और एनी अदर मेथड जिसमें दो महीना लग सकता है बिफोर यू रियली डिटेक्ट द वायरस एंड ही हैड अ हेल्थ केयर सिस्टम विच एनश्योर्ड दैट द मेडिसन्स व मेड अवेलेबल टू हिम मैं अभी कैनेडा जाके आया हूँ मैं मैं बहुत सारे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स को वहाँ पर मिला हूँ मैं आपको लगेगा ही नहीं कि उनको थैलेसीमिया मेजर है वॉट एम ट्रेंड टू से मेजर इज नॉट अज प्रॉब्लम दैट कैनॉट बी ओवरकम सिर्फ एक दो तीन चीज के ऊपर आपने ध्यान दे दिया ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए नो क्वेश्चन अबाउट दैट दिस इज वॉट ही डिड राइट नाउ लेट इज लुकट हैपेटाइटिस आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टल नाउ बट लेट इज लुकट है अभी कोर्स डॉक्टर आभान अग्रवाल का फिगर्स है कि 12.5 परसेंट ऑफ द पेशेंट्स टुडे आर पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस सी कैसे हो गया हेपेटाइटिस सी उनको उनको खून लेना पड़ता है रेगुलरली दैट ब्लड कंटेन द हेपेटाइटिस सी और मैंडेटरी हेपसी टेस्टिंग मे बी माई फिगर्स आर रॉन्ग टू थाउजेंड वन में उन्होंने इंप्लीमेंट किया लेकिन आई आई थिंक टू थाउजेंड टू वॉज वैन द ब्लड बैंक वर टोल्ड दैट यू मस्ट डू मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर हेपेटाइटिस सी तो हम लोग देखते हैं कि दो टू थाउजेंड टू के पहले जो खून चढ़ाया गया है ना उन बच्चों में हेपेटाइटिस सी का ये इंसिडेंस ज़्यादा है एंड फॉर द चिल्ड्रन आफ्टर दैट मे बी लिटल लेसर बट देर ऑल्सो देयर सेकेंडली टेस्टिंग तो हो रहा है लेकिन विंडो पीरियड जो सब लोग ने बात किया विंडो पीरियड के बारे में विंडो पीरियड इज अ लार्ज विंडो पीरियड हमको लगता है कि हमको सेफ ब्लड मिल रहा है बट सिंस इट इज गोइंग थ्रू अ विंडो पीरियड वो डिटेक्ट होने major, हो नहीं रहा है एंड देरफोर टूडे वी फाइंड दैट देर आर लॉर्ड ऑफ चिल्ड्रेन आर पॉजिटिव फॉर द केस ऑफ थैलिसमिया मेजर रिस्क मच हायर बिकॉज लगातार आप खून चढ़ाते जा रहे हो नॉट शुड वी डू ये तो मैं जनरल वेलबींग well के बारे में बोल रहा हूँ विच विच एक्चुअली अपलाइज आई एम टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस सी नाउ बट इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेपेटाइटिस सी इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स आई थिंक मे बी यू डेवलप योर इम्यूनिटी ऑल्सो यू आर अ मोर हेल्दी पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस एंड इन एनी केस यू नीड टू डू दीज थिंग्स तो आई एम सेंग दैट मेंटेन हमोग्लोबिन अबाव नाइन पॉइंट फाइव ग्राम्स मेंटेन सेरोम फेराटिन लेवल बिलो सो एंड सो चेक ऑल पैरामीटर्स वॉट डू वी नीड टू डू डॉक्टर्स आर गी बिजी देव देव टू हैंडल सो मैनी केसेज एज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर हेल्थ सिंग हम लोग को ये देखना चाहिए कि एक अच्छा एक पेशेंट मैनेजमेंट बुक बनाओ एंड हर एक पेशेंट को दे दो उनको बोलो कि इसको मैंटेन करो दिन का सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ता है उसके ऊपर डिफिकल्ट नहीं है आराम से आप वो मैंटेन कर सकते हो हमारे तरफ से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एम्प्लॉय को ना यूज करें फॉर डूइंग ओनली दिस ही विल गो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड सी वेदर ऑल द रिक्ड्स एम मेनटेन प्रॉपरली सो दैट वेन देर इज समबडी हुज अ प्रॉब्लम ही कैन बी डायरेक्टली टेकन टू द डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर को फुकड़ का दुनिया भर के बच्चे लेके जाकर ना उनको तंग मत करो आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन हैव अ प्रॉब्लम और उनको लेके जाओ वहां पर दैट इज वॉट वी नीड टू डू वर्क विद द हेल्थ डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड आई एन के लेटर्स अभी बहुत सारा तरक्की हो गया है मुंबई अपने महाराष्ट्र में वी ए बिन एबल टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड एंड हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेरी पॉजिटिवली एक तो राजीव गांधी योजना में ऑलरेडी दे हैव इंक्लूडेड द स्कीम द आयन के लेकिन और भी बहुत कुछ करना बाकी है उस पर बिकॉज क्या है कि इतना आसानी से मिल नहीं रहा है योजना में है लेकिन हमको इतना आसानी से मिल नहीं रहा है तो हम लोग को अभी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना है एंड उनको बोलना है कि नहीं आपने राजीव गांधी योजना में ये स्कीम ले ली ले ले है लेकिन इवन नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द पेशेंट्स सेकेंड प्रोग्रेस जो हुआ है ना कि दी हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डिसडेड टू इंक्लूड आयन किलेट एज इसशियल मेडिसिन ऑलरेडी लास्ट मंथ में एक सर्कुलर आया है एंड देव इंक्लूडेड इट एंड इट इज गोइंट टू बी मेड अवेलेबल डेसीरॉक्स हो या असुंद्रा हो या कैल्फर हो इज गोइंट टू बी मेड अवेलेबल इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स

तो स्पॉन्सर के साथ में हमको तो काम करना ही है टू ट्राई एंड फाइंड आउट हु कैन सपोर्ट हु कैन अडॉप्ट वन चाइल्ड टेन चिल्ड्रेन फिफ्टीन चिल्ड्रेन एंड सो ऑन देर आर मेनी स्पॉस कमिंग फॉरवर्ड एंड संग हम लोग दस बच्चों को लेते हैं हमारे कंपनी की तरफ से चलो बीस बच्चे हम लोग लेते हैं तो दैट एफर्ट हैज टू बी डन ऑल द टाइम एंड वी आर डूइंग दैट एंड सो सो इज द केस विद ऑल द अदर दर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर दलिया ड्रॉ अप सेंटर वाइज सिस्टमैटिक प्लान बिकॉज क्या होता है कि हम बोलते हैं कि ये टेस्ट आपको करना है और बाद में जब भी हम वो पेशेंट का मैने बुक निकालते हैं हमको पता चलता है कि टेस्ट किया नहीं है तो आई थिंक इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस हु आर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ थैलिसीमिया टू ड्रॉ अप अ सिस्टमेटिक प्लान एंड से कि यहाँ पर जाके हम लोग जून के महीने में जाके ब्लड सैम्पल्स लेके वे गोन्ट टू डू ऑल दीज टेस्ट दिस सेंटर वे गोन्ट टू डू द टेस्ट फॉर एम आर आई वे एंड ऑल दिस थिंग्स ऑन दिस मंथ एंड ड्रा ऑप अ सिस्टमैटिक प्लान दिस इज वॉट वी नीड टू डू फॉर जनरल वेलबींग बट नॉट लेट्स लुकेट वॉट वी नीड टू डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस सी ये दिस इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ दिस यू नो सेमिनार दैट यू हैविंग टूडे बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है कि सेफ्टी ऑफ ब्लड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मेरे को सेफ ब्लड मिल रहा है तो मेरे को यह हेपेटाइटिस सी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा एंड हाउ डू आई गेट सेफ ब्लड इफ आई कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वॉलेंटरी डोनर्स वो वॉलेंटरी डोनर के मौके पर लिखा नहीं है कि वो वॉलेंटरी डोनर है लेकिन हाउ डू वी नो फाइंड आउट दट इज अ वॉलंट्री डोनर अगर वो किसी पेशेंट के लिए जाके रक्तदान करता है तो आई कंसिडर इज नॉट अ वॉलेंट्री डोनर बिकॉज इज डूइंग डोनेटिंग ब्लड फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट एंड देर ऑफ देर इज सम इंडायरेक्ट प्रेजर ऑन हिम एंड देर ऑफ देर इज अ चांस कि वो उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बराबर डिस्क्लोज नहीं करेगा और हमारे पास में स्टेटिस्टिक्स है आ, अगर आप महाराष्ट्र का स्टेटिस्टिक्स भी देखो ना इफ यू लुक एट द पोजीशन ऑफ पॉजिटिविटी इन द ब्लड दैट इज कलेक्टेड बिफोर 1999 एंड टुडे यू कैन सी दैट एन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द वॉलट्री ब्लड डोनेशन हाउ मच ऑफ द ब्लड वॉज कलेक्टेड टू वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसा वो बढ़ते गया वैसे ही पॉजिटिविटी कम होते गया So therefore, the most important thing that we need to follow here is that we need to collect blood from voluntary donors who are not donating blood for a specific patient. उसका मतलब क्या है कि हमारा all organisations working for thalassemia उनका काम क्या है organize blood donation camps. Offices में जाओ, corporates अपना इसमें uh, uh, colleges में जाओ, temples में जाओ, churches में जाओ, railway station में जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन camps करो. And secondly,

हेपेटाइटिस सी का बात कर रहे हैं हम लोग लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है इन 1992 मिस्टर एच डी शोरी अरुण शोरी को आप शायद जानते होंगे मिनिस्टर थे वो उनका फादर ही मेड अ पी आई एल सेड कि ये क्या हो रहा है कोई कुछ रूल ही नहीं है कोई भी आके डोनेट करता है कमर्शियल डोनर लाके लोग लोग आके डोनेट करते हैं क्या हो क्या रहा है करके और ही वेंट टू द कोर्ट एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट से फाइनली सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गेव अ डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग दैट देर शुड बी नो कमर्शियल ब्लड डोनेशन नंबर नंबर टू दे कि शुड बी अ नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल फॉर्मड एंड देर शुड बी अ नेशनल ब्लड पॉलिसी सो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल वॉज फॉर्मड इन नाइनटीन 1947 से 1996 तक देर वॉज नो काउंसिल 1996 में काउंसिल फॉर्म हो गया 2002 में नेशनल ब्लड पॉलिसी वाज फॉर्म्ड एंड 2003 में द एक्शन पॉलिसी वाज मेड फॉर द नेशनल ब्लड पॉलिसी आज तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है एंड देयरफॉर ऑल ऑफ अस नीड टू नाउ ट्राई एंड हैव अ पिटीशन मेड टू टेल द गवर्नमेंट कि आपने जो नेशनल ब्लड पॉलिसी किया है ना उसको क्यों फ्रीजर में रख दिया आपने यू हैव टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द फ्रीजर And we have to now put, and put pressure on them, saying that this is not a It's not time pass. We are talking about lives, and therefore we need to tell them, they go get up and implement the national debt policy." Actually, I have a long slide which talks about what the national policy says, but I think we, sh we should not go into all that. But now let us go to the second part: employ better testing systems for TTI's. यू नो हैविंग सेड ऑल दिस आई लेट मी दैट महाराष्ट्र में वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन मूवमेंट इज प्र स्ट्रॉन्ग यू नो ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ द ब्लड दैट इज कलेक्टेड इज थ्रू वॉलेंट्री मीन्स सो वी हैव देर बट वी हैव टू रीच फर्दर अप एक्चुअली सेकेंड आस्पेक्ट इज दू एम्प्लॉय बेटर टेस्टिंग सब लोग ने बात किया है कि विंडो पीरियड है विंडो पीरियड है अभी नॉर्मली हमारा टेस्ट जो होता है इज एक्चुअली चेकिंग द वायरस आफ्टर एंटीबॉडीज है डेवलप्ड सो दैट्स वाई देर इज अ लार्ज विंडो पीरियड इन वॉट नॉट वी नीड टू रिजॉर्ट टू आई वंट गो टू द डिटेल्स ऑफ नैट टेस्टिंग बट आई विल सेट नैट टेस्टिंग अगर कर लिया हर एक ब्लड यूनिट का तो हमारा विंडो पीरियड विल कम डाउन टू सिक्स सेवन डेज आज के दिन में गवर्नमेंट वाले ब्लड बैंक वाले क्या बोलते हैं वाई शुड वी डू नैट टेस्टिंग यार कॉस्ट ऑफ ब्लड एज इट इज़ जब भी हम लोग ब्लड किसी को देते हैं बोलते हैं अरे तुम चार्ज क्यों करते हो करके उसके ऊपर अगर एक और हजार रुपया चार्ज लग गया तो कोई लेने वाला नहीं है ब्लड एंड हु विल बेयर द कास्ट ऑफ दो वन थाउजेंड रुपीज़ एडिशनल एवरीबडी सेज दैट उनको मैं बोलता हूँ कि देखिए आपका जो कॉस्ट बढ़ गया है ना लेट्स से दैट दो लाख यूनिट का आपने टेस्टिंग किया दो लाख मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड रुपीज़ मे बी टू करोर्स और वो ट्वेंटी करोर्स और वॉट एवर दैट इज़ आपको तभी लगता है कि अरे मैंने बीस करोड़ खर्चा किया है यहाँ पर लेकिन अभी आप, आप अगर वह नहीं करेंगे तो कितने हैं पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड हो गए उसका गिनती करो आप एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मच मनी वॉ स्पेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज पेशेंट्स वो इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी एच आई वी जो भी है और उसको आप ऐड करेंगे ना वो आप ऐड नहीं करते हो क्योंकि आपकी किसी से जाता नहीं है वो वो पेशेंट की किस से जाता है या कोई स्पॉन्सर है कोई है अगर आप वो ऐड करेंगे ना यू फाइंड आउट दैट वी आर सेविंग मनी बाय एक्चुअली डूइंग दिस एंडफॉर्चुनेटली वी हैव मेड अ प्रेजेंटेशन टू देल्थ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर इज अप्रूवड कि हम लोग नेट टेस्टिंग करने वाले हैं इनफैक्ट द प्लान वॉज टू हैव नैट टेस्टिंग डन इन जे जय महानगर ब्लड बैंक बाय नाओ लेकिन बीच में एंड वॉट 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 वट विल डन द सेकेंड फेस इज दैट ऑल दुनसिपल हॉस्पिटल्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑफ द नेट टेस्टिंग फैसिलिटी इन जय जय महानगर एक्चुअली तो बट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन दैट इज़ नॉट इट बीन इम्प्लीमेंटेड बट वी नीड टू नाउ पुट प्रेशर ऑन दैम वॉट शुड वी डू वी से ना वी शुड वी नीड टू पुट प्रेशर ऑन दैम एंड से हाँ भाई इसको इंप्लीमेंट करो मिनिस्टर ने हाँ बोल दिया है आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान भी अप्रूव हो गया है द बजट इज बिन सेट असाइड नाउ यू इम्प्लीमेंट दिस सो वी नीड टू पुट प्रेशर बिकॉज अपना काम सिर्फ यही है हमको कुछ मेडिकल एस्पेक्ट मालूम नहीं है हमको सिर्फ प्रेशर डालना है सब सबके ऊपर ना लुक एट वॉट वी नीड टू डू फॉर ट्रीटमेंट अभी आई थिंक डॉक्टर आभा नागरल टेस्ट अप ऑन दिस सब्जेक्ट इन डिटेल बट अर्ली डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट तो हर छः महीने एक साल में अगर आपने आपका जो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट इन्फेक्शन के लिए आपने टेस्टिंग किया तो यूर एबल टू कैच इट अर्ली सेकेंडली इज डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप थर्ड इज रिसोर्सेज फॉर ट्रीटमेंट तो वॉट वॉट डू वी हैव टू डूज एज एन एन जी ओ

नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है थैलेसिनिया अब सॉरी हैपेटाइटिस सी का जैसे इमरान ने भी बताया इट वेरी सिवियर बहुत सारा खर्चा हो रहा है ऑफकोर्स उसके बाद में भी हमको गारंटी नहीं है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया है बट टुडे देर इज अ न्यू ड्रग दैट इज देर एंड जस्ट से न्यू ड्रग इज देर बोले इज नॉट इनफ रियली वी नीड टू गेट दैट न्यू ड्रग टू अस वी नीड टू सी टू इट दैट आर चिल्ड्रन आर गिवन दिस ड्रग और उसके लिए हमको बहुत सारा दबाव डालना है एक्चुअली डॉक्टर आभान अगराल इज टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग दटिशन टू द हेल्थ मिनिस्टर एंड एंड सेइंग दैट येस दिस ड्रग इज देर इट हैज टू बी मेड अवेलेबल टू इंडियन पेशेंट्स मे बी इफ दर इज अ जेनरिक मैन्युफैक्चरर ही शुड बी गिवन परमिशन टू डू टू मेक द ड्रग बट फाइनली द ड्रग टू बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ हस तो इसलिए हम लोग को वो दबाव डालना है उनके ऊपर उनको बोलना है कि प्लीज एंश्योर दैट ऑल द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सी आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल द वर्क दैट हज हैपन एंड न्यू ड्रग्स दैट हैव बीन डेवलप्ड सो वी नीड टू पुट प्रेशर ऑन ऑल ऑफ देम एंड वी विल कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन ऑल ऑफ़ देम आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन मेरा मिनिस्टर के साथ में हेल्थ अथॉरिटी के साथ में बहुत सारे मीटिंग्स हुए गए यू नो एक साल दो साल के लिए एंड इन द लास्ट सिक्स मंथ्स मैंने देखा है कि बहुत सारा चेंजेस हुआ है एक्चुअली द गवर्नमेंट इज वेरी रिस्पॉन्सिव नाउ एंड वी आर होपफुल दैट दे विल ट्राई एंड गिव यू येपेटाइटिस सी का मैंने उनको बोला है कि हेपेटाइटिस सी दो आर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाटिस सी शुड बी गिवन ट्रीटमेंट अंडर द राजीव गांधी योजना बोलो या जो भी योजना बोलो आप एंड आई हैवे फीलिंग दैट द गवर्नमेंट मे लिसन टू दैट रियल यू नो बिकॉज देर आई सी देम टू बिंग वेरी रिस्पॉन्सिव दे कीप कॉलिंग मी फॉर वेरियस मीटिंग्स और मेरा लास्ट छः महीने में मैंने देखा है कि उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव है तो देर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर ऑल ऑफ फर्स रियली दैट समथिंग विल हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट बट वी नीड टू पुश दैम ऑल द टाइम सो द एंटायर सब्सटेंस ऑफ आज का जो मीट है वो यही है कि हमको पुश करना है वी मस्ट ट्राई एंड पुश एन पुश एन पुश टिल दे लिसन एंड दे डू समथिंग सो दैट्स वट आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ यू आई मस्ट से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चिल्ड्रेवर फाउंडेशन टू ऑल दमेजिंग डॉक्टर्स हेयर हु आर देयर आउटसाइड हेयर हुआ ट्रीटिंग ऑल थैल पेशेंट टू डॉक्टर मंगलानी टू डॉक्टर रशीद मर्चेंट डॉक्टर आबा नागराल टू द ब्लड बैंक्स ऑल्सो बिन गिविंग एस लॉट ऑफ सपोर्ट दे मे हैविंग द लिमिटेशंस बट वी फाइंड दट द ब्लड बैंक्स अ वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ थैल पेशेंट्स तो उनको भी मैं ग्रेटफुल